तेजस न्यूज आज जा पहुंचा है बद्री धाम पर। बद्री धाम के दर्शन कराने का हमारा प्रयास है और हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ के जो पंडित जी हैं, इनसे हम जानकारी करते हैं कि किस तरह की यहाँ मान्यता है और क्या इसका रहस्य है और अभी कितने लोग यहाँ दर्शन कर चुके हैं। जी, तेजस न्यूज में आपका स्वागत है और मैं जानकारी करना चाहता हूँ कि यहाँ के बारे में दर्शकों को बताएं कि भी क्या महत्ता है इसकी, कितना पूजनीय स्थान है हिंदू धर्म में, बताइए विस्तार से। जय बद्री विशाल। मैं स्वयं पंडित दिनेश डिमरी, मुख्य पुजारी श्री महालक्ष्मी मंदिर। भगवान श्री बद्री विशाल जी का ये जो मंदिर है ये सतयुग का मंदिर है और जैसे आपने पूछा कि इस यात्रा काल में अभी तक लगभग कितने लोग यहाँ दर्शन कर चुके हैं, तो आंकड़े के हिसाब से तो मैं क्लियर नहीं बता सकता हूँ, लेकिन लगभग जो अंदाजा है वो 25-26 लाख लोग यात्री जो है अभी चार धाम यात्रा कर चुके हैं, जिसमें गंगोत्री, जमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। बद्रीनाथ को भू वैकुंठ धाम भी कहा जाता है, ये भगवान विष्णु के समर्पित है और ये जो मंदिर है ये सतयुग का मंदिर है, तो अनादिकाल से जो है 8वीं सदी से जो है आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इसकी यहाँ आधारशिला रखी थी और नारद कुंड से उन्होंने भगवान की जो स्वयंभू मूर्ति है उस मूर्ति को यहाँ पे स्थापित किया था और तब से लेकर आज दिन तक जो है अनवरत जो है यहाँ पे भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी की पूजा अर्चना होती आ रही है और सभी सनातनी लोग हमारे देश विदेश से भी भगवान विष्णु के, भगवान बद्री विशाल जी के दर्शन के लिए यहाँ पे पधारते हैं। पंडित जी, बद्रीनाथ में पूजा का क्या विधान है? बताया जाता है कि यहाँ चने की दाल चढ़ाई जाती है, चने की दाल का क्या महत्व है, चावल का क्या महत्व है, जरा अर्तप्त कुंड का क्या महत्व है? यहाँ पे जो नीचे तप्त कुंड है वो तप्त कुंड को जो है अग्नि कुंड भी कहा जाता है, वो स्वयं में अग्निदेव का प्रारूप है और वो भगवान के श्री चरणों से वो जलधारा निकलती है जो कि गर्म ज्यादा होती है और नीचे तप्त कुंड तक पहुंचती है, जहां सभी श्रद्धालु महिला और पुरुष जो है अपने अपने कुंडों में स्नान करते हैं। वहीं पे बगल में जो है सूर्य कुंड है, नारद कुंड है, अग्नि कुंड है और भी कुंड जो है कुर्मधारा इत्यादि जो है यहां के महात्म के स्रोत रहे हैं। यहां पे जो प्रसादी में आपने पूछा कि भाई प्रसाद में क्या चढ़ता है, तो विष्णु को, भगवान विष्णु को यहाँ पे प्रतिदिन पे जो प्रसादी में आपने पूछा कि भाई प्रसाद में क्या चढ़ता है, तो विष्णु को, भगवान विष्णु को यहाँ पे प्रतिदिन सुबह बाल भोग में खीर का भोग लगाया जाता है। उसके अलावा जो आप देख पा रहे हैं इस टाइम भगवान का ये राजभोग लग रहा है जिसमें दाल, चावल, खिचड़ी, केसरिया प्रसाद, बेसन के लड्डू, चूरण प्रसाद, 56 भोग भगवान बद्री विशाल जी के लिए सबसे प्रिय होते हैं और वो भोग जो है यहाँ पे जो है भगवान को लगाए जाते हैं। तत्पश्चात जो है सभी श्रद्धालुओं को निःशुल्क यहाँ पे जो है प्रसाद जो है वितरण किया जाता है, साधु संत गो गरीब ब्राह्मण सभी को जो है यहाँ पे प्रसाद। पंडित जी, मेरा आखिरी सवाल है, दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ तेजस न्यूज के माध्यम से और आपके द्वारा कि जो चने की दाल का क्या महत्व है, चने की दाल विशेष रूप से यहाँ पर चढ़ाई जाती है, प्रसाद में देखा गया है। चने की दाल और जो चने की दाल को जो है भगवान विष्णु को अति प्रिय है, फापर के लड्डू, चने की दाल और केसरिया प्रसाद ये विशेष रूप से यहाँ पे चढ़ाया जाता है। चने की दाल जो है नीचे सूखा प्रसाद माना जाता है, इसलिए सभी श्रद्धालु यहाँ पे थालियों में, डिब्बों में जो है चना, इलायची दाना और तमाम प्रकार के जो भगवान विष्णु को ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं उसको यहाँ पे चढ़ाते हैं और वही प्रसाद लोग जो है श्रद्धा स्वरूप अपने घरों तक लेके जाते हैं उस। जी, धन्यवाद। ये थे पंडित जी जो बद्रीनाथ में यहाँ मेन पंडित जी हैं लक्ष्मी मंदिर के, और मेरे पीछे लक्ष्मी माता का मंदिर है, बद्रीनाथ जी के ठीक सामने माता लक्ष्मी का मंदिर है, यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं लोग बाग और इन्हीं को ही बद्री बोलते हैं। पंडित जी ने बताया इन्हीं जो मंदिर है इन्हीं को बद्री बोलते हैं और इन्होंने विधि विधान भी बताया किस तरह से बद्रीनाथ पर आकर के लोगों को पूजा करनी चाहिए और सनातनियों को निश्चित तौर पर यहाँ आकर दर्शन करना चाहिए। उत्तराखंड के बद्रीनाथ से तेजस न्यूज के लिए तेजस चौहान।